लोग गरीबों के मसीहा बनकर मोनू गुरुजी सामने आए। उन्होंने लोगों को खाना खिलाया, कपड़े दिए और बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मोनू गुरुजी लोनी के टीला गांव में सिंह कॉलोनी मोनू धाम पर हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से कुछ दबंगों द्वारा मांगी गई 2 लाख की रंगदारी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मोनू गुरुजी से 2 लाख रुपए की रंगदारी का मामला हुआ और उल्टा अब मोनू गुरुजी को ही फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि सभासद मनीष भाटी ने वीडियो वायरल कर उल्टा मोनू गुरुजी पर आरोप लगाया कि देनदारी का मामला मोनू गुरुजी द्वारा किया गया है। पिछले 1.5 साल से वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महिला आयोग, मानव आयोग और एसपी से लेकर न जाने कितने अधिकारियों तक अपनी लिखित शिकायत दी, लेकिन लोनी पुलिस अभी तक लापरवाही बरत रही है। उन्हें मामले की कोई खबर ही नहीं है। अब दबंग मोनू गुरुजी के खिलाफ वीडियो वायरल कर उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल इतना ही, मारने की धमकी तक दी जा रही है, लेकिन पुलिस की लापरवाही देखी जाए तो पुलिस कुछ भी करने को तैयार नहीं है। मोनू गुरुजी ने मुख्यमंत्री का गुहार लगाई कि यदि कुछ अनहोनी होती है तो उसकी केवल जिम्मेदार लोनी पुलिस होगी, क्योंकि लोनी पुलिस पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है और दबंग उन्हें परेशान कर रही है, मारने की धमकी तक दी जा रही है। ऐसे में ये मामला बहुत बढ़ता जा रहा है, मगर पुलिस की लापरवाही से मोनू गुरुजी बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि यदि पुलिस उनका साथ नहीं देगी तो वो दबंग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी के नीचे, ठीक है। और मैं जैसे ही अभी गाड़ी साइड में लगा के उतरा बाबा के पीछे आने के लिए, तो ये बोले डायरेक्ट ये कल वाले बदमाश हैं जो चौकी में हंगामा कर रहे। मैं योगी और मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इसकी वीडियो निकाली जाए चौकी पे से और अच्छी से अच्छी छानबीन की जाए इन पुलिस वालों के खिलाफ। एक तरफ मंदिर खुलता है और एक तरफ ये हंगामा करते हैं। सुनो, एक तुझे भी डालना था ना, एक तरफ फार्म बना रखा है इन्होंने, फार्म ये बेरम फार्म बना रखा है जो यहाँ की विधायक की चलती है यहाँ पे, और मनीष बल्ली विकास जी गुंडा चल रही है, ये वहाँ पे डांस करते हैं, दारू पीते हैं, पुलिस वाले वहाँ पे जाके न तक। योगी मोदी से नमस्कार करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे काम करे, आपने बहुत अच्छे काम करे, स्कूल खुलवाए, गरीबों को रोड बनवाए, गरीबों को घर दिवाए, आपने सब कुछ करा। हम चाहते हैं यहाँ के लोनी में एक लोनी गाजियाबाद गुंडागर्द चल रही है। मैं चाहता हूँ एसपी डीएम के दौरे में गया हूँ, आज ही दौरे तक भी गया हूँ, कागज ला गया हूँ, सब कुछ पे गया हूँ, मेरी वहां तक भी सुनाई नहीं हो रही। मैंने एक छोटी सी आपके दौरे नखलाओ में एक छोटी सी मैं भेज रहा हूँ आपके दौरे एक वीडियो, मेरी गौर से सुनना आप। गोरखनाथ का भगत, सिद्ध बाबा का भगत, मैं सबकी सेवा करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ। एक मनीष है यहाँ का पार्षद है कृष्ण विहार का, बल्ली विकास मनीष जो गुंडागर चल रही है, आप इन्हें यहाँ पर जांच कराई जाए और कृष्ण विहार में जांच कराई जाए। मैं गलत हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए। मैं आज कहता चाहता हूँ आप अच्छे काम कर रहे हो और यहाँ के जो गुंडागर्द चली है वो पुलिस वाले जो थाने में है लोनी थाने पे मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, जब मेरे सबूत नहीं पाए इन पे तो इन्होंने कहा तुम जाओ, ठीक है ना। मैं आया, मेरी किसी ने आज तक सुनाई नहीं करी। मैं चाहता हूँ एसपी डीएम से आप नखलाओ से इन पे प्रेशर दो और इन पे मेरे पे जांच कराई जाए और मीडिया सीबीआई मेरे घर पे बैठाई जाए। मैं गलत हूँ तो मुझे जेल भेज दो। और आज योगी मोदी से कहना चाहता हूँ अपनी हत्या मैं धुने पे कर दूंगा, जेल तो मैं बाद में जाऊंगा, मैं अपनी हत्या ही कर लूंगा, उसके जिम्मेदार सरकार होगी जो झूठे आरोप में मुझे फंसा रही चाहते हैं। मेरे दौरे एक सबूत है इनके दौरे, जो सबूत मैं छोड़ के जाऊंगा सबके नाम के, जो कुछ हो गया तो इसके मनीष बल्ली विकास जिम्मेदार होंगे। मैं चाहता हूँ मेरे दौरे रसीद है, रसीद दिखाऊंगा जब इन्होंने 80,000 मुझे मेरे पे बताए, इन्होंने 80,000 मेरे पे बताए इन्होंने, तो इसमें जांच कराई जाए। और मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ इसमें जल्दी जांच कराई जाए, कल को कुछ मेरे बच्चों कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी। और योगी मोदी से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सरकार जिम्मेदार होगी कल को मुझे कुछ हो गया। यहाँ पे मैं तांत्रिक की चीज कहूँ, जिस मंदिर में एक मंदिर की पूजा करता हूँ छोटी सी और गरीबों को भंडारा करता हूँ, गरीबों बांटता हूँ, यहाँ का तंत्र